अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कीमा हरा मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार हो जाती है। इसे हम नाश्ते में पराठों के साथ भी खा सकते हैं और रमज़ान में सहरी में भी ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो है 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक मशीन का। इस रेसिपी के लिए मोटा कीमा यूज़ नहीं करेंगे, ये बारीक कीमे ही में ही तैयार की जाएगी। इसके साथ यहाँ पर एक मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास दो छोटी प्याज है मीडियम साइज़ की तो वो आप इस तरह से जो है चॉप कर लें। क्वार्टर कप जितना मैंने हरा धनिया लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। क्वार्टर कप ही जितना ऑयल यूज़ करेंगे, इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता। इसके अलावा 3 से 4 बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसी क्वान्टिटी को बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी अदरक यूज़ करेंगे आखिर में, और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है यहाँ पर, और 1 टीस्पून जितना लेमन जूस है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सॉल्ट लिया है। बाद में मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दूँगी। 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक पतीली में मैंने तेल डाल के गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम सबसे पहले प्याज डाल देंगे, प्याज को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है, अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ अभी। और इसमें मैं अब ये कीमा डाल दूंगी। कीमा डालने के बाद बस 2 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और साथ ही इसमें मैं नमक और हल्दी डाल दूंगी, और इसका थोड़ा सा पानी हम थोड़ा खुश कर लेंगे। कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें तकरीबन 1/4 कप जितना मैं पानी डालूंगी, और बस इसी पानी में जो है ये हम कवर करके पकाएंगे उस वक्त तक जब तक हमारा कीमा बिल्कुल गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट से ये कुक हो रहा है, मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा हुआ था। तो अब इसका पानी भी तकरीबन खुश हो चुका है और गोश्त भी हमारा, कीमा भी हमारा गल चुका है। तो बस इस स्टेज पर अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें जो बारीक काट के रखी हैं, ये और हरा धनिया डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसी से इसकी खुशबू है, तो इसको कम क्वांटिटी में मत डालिएगा। और जो है इसके बाद मैं इसमें लेमन जूस और गरम मसाला पाउडर, बस ये डाल के मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी, और फिर उसके बाद इसको निकाल के डिश आउट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बनने वाला है, और टेस्ट में उतना ही अच्छा है। इसको पराठों के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी वीडियो या मेरा पेज पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।